हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये हमारा BHU 2015 का क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए लाया हूँ जो LNIP के इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है और इसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको PDF चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का वीडियो है, आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल गेम्स 2015 वेयर हेल्ड एट, राष्ट्रीय खेल 2015 कहाँ आयोजित हुए? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। और बता दूं मैं, नेशनल गेम्स का बात आया है तो मैं बता देता हूं आपको, जो हमारे नेशनल गेम है ये 35th नेशनल गेम था, और केरल का जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। और बता दूं मैं, जो छत्तीसवा हमारा नेशनल गेम्स होने वाला था, गोवा में होने वाला था 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण वो कैंसिल हो गया। और साथ साथ मैं बता दूं आपको, जो नेशनल गेम्स है हमारा 1924 में स्टार्ट हुआ था, और इसका जो मोटो है हमारा गेट सेट प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंप्यूटर वायरस इज अ, कंप्यूटर वायरस क्या है? इसका राइट आंसर है, फ्रेंड्स बता दूं, जो कंप्यूटर वायरस है, जो मालवेयर है, मालवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर जो होता है इसको हम टच नहीं कर सकते हैं लेकिन देख सकते हैं, और जो हमारा हार्डवेयर होता है इसको टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, और जो ये CD है, CD का फुल फॉर्म जो होता है हमारा कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट डिस्क डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइगर वुड्स इज एसोसिएटेड विथ, टाइगर वुड्स किस खेल से जुड़ा है, मतलब जुड़े हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। और बता दूं, जो गोल्फ हमारा है स्कॉटलैंड का नेशनल गेम है, और टाइगर वुड्स से जो है यूएसए से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 वाज हेल्ड एट, क्रिकेट विश्व कप 2015 कहाँ आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो हमारा 2019 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था, और इसके विनर्स थे इंग्लैंड और रनर्स थे न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स, आपको पता होगा यहाँ पर इंग्लैंड को बाउंड्री के अनुसार जीत दे दिया गया था। और बता दूँ, जो हमारा 2023 में वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में होगा, कब होगा? अक्टूबर और नवंबर के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ IOA इज, इंडियन ओलंपिक संगठन के सचिव कौन है? इसका राइट आंसर है राजीव मेहता। और बता दूं फ्रेंड्स, IOA का बात आया है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और ये कब फाउंड हुआ था? 1927 में। फ्रेंड्स, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द नेशनल एंथम ऑफ इंडियन जनगण मन वाज फर्स्ट सॉन्ग इन, भारत का राष्ट्रीय जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 1911। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, 27 दिसंबर
1911 में गाया गया था। और बता दूँ ये जो इसके राइटर थे जनगण मन के, रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, रक्तचाप किससे मापा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्फाइग्नोमैनोमीटर। और बता दूं मैं, जो स्पाइरोमीटर है इससे हमारा लंग्स कैपेसिटी को मेजर किया जाता है, लंग्स कैपेसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट एशियन गेम वेयर हेल्ड एट, सबसे पहला एशिया खेल कहाँ आयोजित हुए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है इंडिया। फ्रेंड्स यहाँ पर एशिया गेम का, एशियंस गेम का बात आया है, मैं कुछ बात कर लेता हूँ। ये 4 मार्च 1951 को न्यू दिल्ली में इसका शुरुआत किया गया था, और एक बार और हेल्ड हुआ था इंडिया में, वो 1982 में हुआ था। और बता दूं फ्रेंड्स मैं, जो ये हुआ था 19 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में हुआ था, और ये हमारा 9th एशियन गेम था। और बता दूं मैं, जो हमारा अभी 18 एशियन गेम हुआ है, 18 एशियन गेम जो हमारा हुआ है, कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया के शहर में जकार्ता और पलेमबंग। और यहाँ पर जो इंडिया का रैंक था, 8th पोजीशन था, जिसमें इंडिया को गोल्ड 15 था, और सिल्वर जो था हमारा 24 था, और ब्रॉन्ज जो था हमारा 30 था। फ्रेंड्स और एक बात बता दूं मैं, इस मतलब जो एशियन गेम्स के हमारे फ्लैग बीरर थे ओपनिंग सेरेमनी का, नीरज चोपड़ा थे जो एथलेटिक्स से रिलेटेड है, और क्लोजिंग सेरेमनी का रानी रामपाल थी जो कि हॉकी से रिलेटेड है। चलिए फ्रेंड्स एक और मैं बात यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको पता है तो सही है, नहीं तो ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। जो हमारा 2022 में एशियन गेम्स होने वाला है वो कहाँ होगा, आपका हांगजोंग चाइना में। और कब से कब होगा, 10 सितंबर से 25 सितंबर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, फीफा के अध्यक्ष कौन है, इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसमें से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर है जेनी इन्फेंटिनो। और बता दूं मैं, जो फीफा है, फीफा कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 21 मई 1904 में। और बता दूं, जो फीफा है हमारा फुटबॉल से रिलेटेड है, और इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द हेड क्वार्टर्स ऑफ आईओए इज इन, आईओए का मुख्य कार्यालय कहाँ है, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। और एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर भी जो आईओए के फाउंडर ऑफ प्रेसिडेंट है वो एच सी बक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
द लास्ट मंथ ऑफ कैलेंडर बेस ऑन द साका एरा इज साक युग पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम मास है। फ्रेंड्स, जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर होता है उसमें जनवरी फरवरी मार्च से दिसंबर तक होता है, जिसमें 12 मंथ होते हैं। इसके अनुसार भी 12 मंथ होते हैं, लेकिन जो शुरुआत होता है हमारा चैत से होता है और जो हमारा अंतिम होता है फागुन से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फागुन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। NSNIS इज सिचुएटेड एट, NSNIS कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पटियाला। फ्रेंड बता दूँ, पटियाला जो है हमारा पंजाब में है और NSNIS का फुल फॉर्म है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। और मैं बता दूँ इसका जो एस्टेब्लिश हुआ था कब हुआ था, 7 मई 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट एशियन ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन द सिटी, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए हैं थे? इसका राइट आंसर है एथेंस, ग्रीस में हुए थे। कब हुए थे? तो ये हुए थे 1896 में। किसके देखरेख में हुए थे? बैरन पियरे डी कुबर्टिन के देखरेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज इज लोकेटेड एट, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ओलंपिक मोटो अल्टियस डिनोटेड, ओलंपिक मोटो अल्टियस क्या दर्शाता है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है हायर या उच्चतर। फ्रेंड्स बता दूं मैं आपको, यहाँ पर हमारे जो ओलंपिक मोटो है तीन है, जो सर हेनरी डिडोन ने दिए थे, सीटियस अल्टियस और फोर्टियस। सीटियस जो है फास्टर को दर्शाता है, अल्टियस जो है हायर को दर्शाता है और फोर्टियस जो है स्ट्रॉन्गर को दर्शाता है। फ्रेंड्स ये याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी कंट्रोल द यूनिवर्सिटी गेम, विश्वविद्यालय खेल की संस्था के अधीन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ओलंपिक विल बी हेल्ड इन दिस ईयर, अगले ओलंपिक किस वर्ष होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। फ्रेंड्स ये ओलंपिक 2020 में ही होने वाला था टोक्यो जापान में, लेकिन ये अब 2021 टोक्यो जापान में ही होगा, उसी तारीख को। कब? 23 जुलाई से 2021 टोक्यो जापान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राज्य भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन वुमेन इंट्रोड्यूस द गर्ल्स कम विथ हर डैड, सी इज माई हस्बैंड सॉन्स मदर्स डॉटर, नाउ हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द वुमेन। एक महिला ने अपने साथ आने वाली लड़की का परिचय दिया, वह मेरे पति के पुत्र की माँ की बेटी। उस लड़की का उस महिला के साथ क्या संबंध बनता है? फ्रेंड्स मैं बता दूँ, अगर मैं वह
मेरे पति के वह को अगर एक्स मान लेते हैं, वह मेरे पति के पुत्र की माँ, पति के पुत्र यानी बेटे, बेटे की माँ वो खुद, माँ की बेटी तो उनकी बेटी, तो कौन लेगा? इसका राइट आंसर है उनकी बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एशियन गेम विल बी हेल्ड इन। फ्रेंड्स मैं आपको बताया था इसका राइट आंसर क्या होगा, होंगजू चाइना में। फ्रेंड्स एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूँ, 1951 सॉरी फ्रेंड्स एक बार और रिकॉल कर देता हूँ, 4 मार्च 1951 में न्यू दिल्ली में इंडिया में हमारा फर्स्ट एशियाई गेम हेल्ड हुआ था, और जो दूसरा बार हेल्ड हुआ था इंडिया में 19 नवंबर 14 दिसंबर से 1982 में हुआ था, और जो हमारा 2018 में इंडोनेशिया के सिटी जकार्ता और पलम्बंग में ये हुआ था, और ये 18 हमारा था एशियाई गेम, और जो 2022 में होने वाला है चाइना में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, येन इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, इंडिया जापान चाइना नेपाल, येन किस देश की मुद्रा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका राइट आंसर है गोल्डन वैलेट, स्वर्ण टटर, टटर स्वर्ण टटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेपोलियन बोनापोर्ट वाज बोर्न इन, नेपोलियन बोनापोर्ट का जन्म हुआ है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अगस्त 1769। फ्रेंड्स मैं बता दूं, इनका जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज यूगोस्लाविया मींस, यूगोस्लाविया का अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 द लैंड ऑफ द साउथर्न स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच स्टेट ऑफ द वाज वंस पार्ट ऑफ रसिया, अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का हिस्सा था? फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है फ्लोरिडा। आज का वीडियो यहीं तक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।